अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो कुछ लोगों की सोच बदल के रख देगा और हो सकता है कुछ लोगों का कुछ नुकसान होने से भी बचा ले। क्या आप किसी जिन्नात को अपने कब्जे में करना चाहते हैं? जैसे कि कोई जिन्नात है, हम लेटे रहें आराम से और वो हमारा सारा काम करे, क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आजकल आपको पता है YouTube पे इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है और इतना ज़्यादा ऐसा धंधा बना रखा है YouTube को जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर कहीं से हो रहा है तो वो YouTube से हो रहा है। ये बात मैं ओपन चैलेंज आप लोगों को बोलूँगा और इस वीडियो में प्रूफ भी कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, जब भी आप किसी भी ऐसी वीडियो पर जाते हैं, वजीफ़ा फॉर लव, मान लो आप किसी मोहब्बत पाने के वजीफे पे आप लोग जाते हैं उस वीडियो में, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कमेंट ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि बाबा जी ने मेरा काम कर दिया है। वहाँ पे नंबर दिया हुआ होता है कि आप भी अपना काम करवा लो। इस तरीके की कॉमेंट आप लोगों के सामने आती होंगी। या फिर आप वशीकरण करवा लो, या फिर आप नौकरी पा लो, मनचाही नौकरी, और सरकारी नौकरी पाने के लिए ये करें, या फिर आप बाबा जी से अपना सारा काम करवाएं, आपका प्यार रूठ गया है तो उसको मना लें, घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं उसको बना लें। इस तरीके का उन लोगों ने एक स्कैम चलाया है, ऐसी कमेंट्स आती हैं। और उन कमेंट्स में एक चीज़ कॉमन रहती है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि लड़कियों के अकाउंट से ही कॉमेंट आती है। यानी कि जो कॉमेंट आपके सामने शो हो रही है वो किसी ना किसी लड़की के अकाउंट से होती है, और वो दावा किया जाता है उस कॉमेंट में कि बाबा जी ने मेरा काम कर दिया है और ये नंबर है। चाहे वो नंबर व्हाट्सएप का हो या फिर कॉलिंग का हो, आप लोग जाइए और जाकर इनसे अपना काम करवा लीजिए। और कुछ यूट्यूबर हैं और कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी हैं जो अपने नंबर वायरल करते हैं। इस पे अजीम भाई ने भी एक वीडियो बनाया था जिन्नात के ऊपर, कि जिन्नात को कैसे कब्ज़े में करें और अच्छा जिन हम लोगों के पास कैसे आए। तो मैंने सोचा टॉपिक सही है और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी मेरी फैमिली की तरह हैं, तो उन लोगों को भी मैं आगाह ज़रूर करूं और इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है लाइक ज़रूर करना। और देखिए, जब मैंने शुरू की इस वीडियो को कि अच्छे जिनको कब्ज़े में करें, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे और आप लोग सोचते होंगे कि सलमान भाई आज पता नहीं क्या करने वाले। तो देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इस पे मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिन्नात कब्ज़े के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। किसी को भी कब्ज़े में करने वाले आप होते कौन हैं, सबसे पहली बात यह है। और इस्लाम में इसका कोई हुक्म नहीं है। करना धरना, सिपली इल्म, ये तमाम चीज़ें इंसान के ईमान को खारिज कर देती हैं। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे ईमान पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम अपने जीएस वर्ल्ड पर नहीं बताते। इस चैनल का मतलब है कि आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोग हर बुरी चीज़ से बचे रहो। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कुछ यूट्यूबर हैं जो अपना नंबर वगैरह वायरल करते हैं और वो दावा करते हैं कि आप लोग आइए और अपना काम करवा लीजिए। तो अगर आप उन लोगों के पास जाते हैं तो आप लोगों की पूरी जेब खाली हो जाती है, लेकिन आप लोगों का काम नहीं होता है। जब तक आप उन लोगों को पैसे नहीं देते हैं, तब तक आप उनके लिए बहुत ज़्यादा भले हैं और वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे। जैसे ही आप उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आप हैं कौन, यानी कि आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनमें से 20% लोगों के साथ तो हो गया होगा। आगे से किसी के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं मुद्दे की। अच्छे जिन को कब्ज़े में करना, अच्छे जिन से अपना काम निकलवाना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े लोगों के पास होते हैं और अच्छे आलिम के पास होती हैं। हम जैसे गुनाहगार लोगों के पास ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती, और अगर हम लोगों के पास ऐसी चीज़ें होंगी भी तब भी हम उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि मैं आलिम साहब के पास गया और उनसे जब मैंने इस बात को पूछा कि मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि अच्छे जिन को कैसे कब्ज़े में करें, उसका कोई अमल मुझे बता दें, यानी कि जिन को हाजिर करने का कम से कम कोई अमल बता दें, तो वहाँ पर मेरी कितनी डांट पड़ी थी। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और आलिम साहब ने डायरेक्टली मुझसे यही कहा था कि तुम होते कौन हो ये बात पूछने वाले, और इतने सालों से तुम हमारे पास हो, सारा काम कर रहे हो, लेकिन कभी भी हमने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं इल्म दिया। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है, और जो इंसान भी ऐसे अमल करने की कोशिश करता है उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है। यानी कि एक तरीके से मान लो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा ईजी हैं उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। अगर हम इन अमलों के चक्कर में पड़ते हैं तो हो सकता है हम लोगों की जान भी चली जाए।
तो ऐसे अमलों के चक्कर में ना पड़ें। और जो लोग ये दावा करते हैं कि आप ये अमल कर लो इससे आप लोगों को जिन्नात मिल जाएगा, इस तरीके के दावे करते हैं, तो आप लोग एक बार ये ज़रूर सोचा करें कि इससे हम लोगों के ईमान पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा ईमान सलामत है तो सारी चीज़ें सलामत हैं। तो आप लोग ऐसे अमल के चक्कर में ना पड़ें। और मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई थी कि कोई भी ऐसा अमल कभी भी मत करना जिसकी आप लोगों को इजाज़त लेनी हो, उन अमल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कौन से अमल करें, तो मैंने इसी वीडियो में जवाब भी दे दिया कि आप इजाज़त वाले अमल ना करें। जिन अमलों की इजाज़त आम है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के वजीफ़े, कोई दुआ, कोई कुरान की आयत, ये तमाम चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आपको दुनियावी फ़ायदे भी मिलेंगे और सवाब भी मिलेगा, ऐसे अमल आप कर सकते हैं। लेकिन कोई सिपली इल्म टाइप, काले जादू टाइप, करना धरना टाइप, जिन को कब्ज़े में करना टाइप, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये जो कमेंट्स आती हैं, जैसे कि अभी मान लो मैं ये वीडियो बनाया, अब उन लोगों को इस वीडियो के अंदर क्या है वो चीज़ नहीं पता चलेगी, वो सिर्फ टाइटल देख के आएंगे, यानी कि मैंने इसका टाइटल रखा है कि अच्छे जिन को कैसे कब्ज़े में करें, तो वो इसका टाइटल देख के आएंगे, उनको लगेगा यार ये चीज़ बहुत बढ़िया है हम लोगों के लिए, तो वो लोग आके धड़ाधड़ इसके नीचे कॉमेंट्स करना शुरू कर देंगे। वहाँ पर आपको बाबा जी का नंबर मिलेगा, आप लोगों को फांसने का पूरा एक जाल मिलेगा, पूरी कमेंट होगी और उसमें आप लोगों को दावा किया जाएगा कि आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग आओ। अरे आप लोग इतने समझदार नहीं हैं कि अगर वाकई में इन लोगों के पास इतनी पावर है तो ये कमेंट सेक्शन में आके क्या कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पावर होती है उनके पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लॉजिक है या नहीं है मेरी बात में कॉमेंट में ज़रूर बताना। देखो दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोगों का बुरा ना हो, और ये YouTube पर आजकल इतना बड़ा धंधा बना के रखा है इन लोगों ने, इन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा तहे दिल से कि प्लीज़ किसी भी गरीब का दिल मत दुखाना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी को तकलीफ़ हो। पैसा बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में कमाया जाता है, आप लोग एक फ़ोन करके सामने वाले बंदे से 10,000-20,000 ले लेते हो, लेकिन आप लोग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से भी आप लोग गुनाहगार होंगे। मेरा काम है मेरी ऑडियंस को संभालना, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मेरी ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझेगी या नहीं समझेगी वो काम है उनका। मैंने एक मैसेज तो दे ही दिया आप लोगों को, तो सीधी सी बात है कि जिन्नों के चक्कर में ना पड़ें, परियों के चक्कर में ना पड़ें, ये तमाम चीज़ें आलिमों की ही बस की बात होती हैं। हम जैसे गुनाहगार अगर इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नमाज़ों की पाबंदी करते हैं तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों को किसी भी अमल या फिर किसी भी वजीफे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से आप लोग मांगिए, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में मांगिए। अगर आप इस तरीके से मांगते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। तो फिर आप लोगों को क्या ज़रूरत है ये जिन्न की या फिर ऐसे अमलों के चक्कर में पड़ने की जिससे आप ही नहीं, मैं आपको बताता चलूँ, इससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली रिस्क में पड़ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अमल करते हैं और उनका नुकसान हम लोगों को नहीं होता है, हमारी फैमिली को होता है। तो कोई भी ऐसा अमल ना करें, और इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहें, हमारे इस चैनल GS वर्ल्ड पे किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी अमल आप लोगों को नहीं मिलेगा जिससे आप लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान हो। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं वही अमल आप लोगों तक पहुँचाता हूँ जिससे आप लोगों का ईमान मुकम्मल रहे और आप लोग सवाब के मुस्तहिक बनते रहें। तो प्यारे दोस्तों, मेन रीज़न यही था कि आप लोग इन कमेंट्स के चक्कर में या फिर इन यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़ा करें, नंबर आपको शो हुआ करे तो उन लोगों से बात ना किया करें। सीधी सी बात है, आप लोग इग्नोर करो, जो किस्मत में है वो हमें मिलेगा और जो किस्मत में नहीं है उसको हमें कोई भी नहीं दिला सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ वसीले होते हैं, कुछ ज़रिए होते हैं, लेकिन वो ज़रिए ऐसे नहीं होते हैं 10,000-20,000 एडवांस में दे के, ऐसे नहीं होते हैं, वो कुछ और ही होते हैं। वो किसी की दुआ का नतीजा होता है जिसकी दुआ से हम लोगों का काम बन जाता है, वो चीज़ और होती है, लेकिन ये जिन्नात और ये अमल करना धरना ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को कोऑपरेट करेंगे और समझेंगे। अगर एक बंदे ने भी मेरी इन तमाम बातों पर अमल कर लिया तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में, यूट्यूब पर जो स्कैम चल रहा है, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। और जो लोग यहाँ कमेंट करने आए हैं बशीकरण वगैरह की,
वो मेरे चैनल पर दोबारा ना दिख जाए। सीधी सी बात है, मेरा एक भी सब्सक्राइबर अगर इस चक्कर में पड़ा और एक को भी नुकसान हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सीधी सी बात है, इसको कोई धमकी उमकी नहीं है। मैं बस प्यार से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल से दूर रहें। जो ऐसे बशीकरण वाले हैं और जो ऐसी वैसी हरकतें करते हैं वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। पूरा वीडियो मैंने बहुत सहूलियत के साथ में बनाया है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बस आप लोग समझ जाना, इतना ही बहुत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, तहे दिल से गुजारिश है आप लोगों से। और हमने आप लोगों की स्क्रीन पे दो वीडियोस लगा दी हैं, उन वीडियो पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देखिए और हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को जो सामने राउंड राउंड लिख के आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।